इस समय हमारा देश जिस वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस से प्रभावित है और जिस प्रकार का लॉकडाउन अभी हमारे इस देश में चल रहा है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। उसको देखते हुए भारतीय रेल में यात्री गाड़ियां बंद हैं और यात्री गाड़ियां बंद होने की वजह से रेल के विभाग के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा तबका जैसे कुली, उनके लिए अभी कोई साधन नहीं है उनके आय का। जिस प्रकार से हमारे लोडर जो कि पार्सल लोडिंग का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के आदमी होते हैं, उनके पास अब उनका रोज़गार ख़त्म सा हो गया है। इसी प्रकार से हमारे कॉन्ट्रैक्टर के जो सफाई कर्मी हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर ने अभी हटा दिया है, ऐसे सफाई कर्मी जिनका रोज़गार छिना है, ऐसे लोगों को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से सेवा सामग्री देने का काम किया जा रहा है। इसमें हम 10 किलो आटा और 2 किलो चावल, आधा आधा किलो 3 तरीके की दाल, चीनी, चाय की पत्ती, घर में काम आने वाले मसाले, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची, साबुन इत्यादि, तेल के 1 लीटर तेल, ये सामग्री हम लोग वितरित कर रहे हैं। और हमारे ये कार्यक्रम हम 7 दिन तक चलाने वाले हैं और इस 7 दिन के अंदर हम करीब 150 से 200 लोगों को ये सामग्री वितरित करने हैं। इसके अलावा भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने रेल कर्मचारियों के लिए 650 मास्क बनाकर प्रशासन को देने का काम किया है और रेल कर्मचारियों में स्वयं के स्तर पर भी बांटने का काम किया। इसी प्रकार से आज सैनिटाइज़र की बहुत भारी कमी है, इसलिए यूनियन ने सोचा कि साबुन एकत्रित करके और साबुन बांटना चाहिए कर्मचारियों को, ताकि हर आधा एक घंटे में कर्मचारी हाथ धो सके जो लोग ड्यूटी पे आ रहे हैं। और हमने करीब 700 नग साबुन कल एकत्रित किए और आज उसको बांटने का काम हो रहा है। 350 तो स्वयं यूनियन बांट रही है और 350 नग साबुन आज हमने रेल प्रशासन को दिया है, ताकि वो लाइन स्टाफ तक भी इसको पहुंचाने का काम करे। आज का वितरण किया जा रहा है सामग्री? आज हमने ये वितरण अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर यह वितरण करने का काम किया है। और प्रशासन के अधिकारी के रूप में जो कोविड-19 के अजमेर के कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, सीनियर DME ENHM श्रीमान विजय साहब, वो यहाँ आए थे और उनको हमने उनके सम्मुख ये सुपुर्द करने का काम किया। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन। वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन की वजह से जहाँ गरीब लोगों को दिन प्रतिदिन की सामान की ज़रूरत हो रही है, और जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर लेबर थी, जो रेलवे में कूली काम करते हैं, पार्सल लोडिंग में जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, सफाई वालों में जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, उनका वर्तमान में रोज़गार भी छिन गया है और वो लगभग बेरोज़गार की तरह है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अपनी ये सामाजिक जिम्मेदारी समझी है और पूरे मंडल पर इस तरह से जहाँ जहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, जिनका भी अभी रोज़गार छिना है, जो भी लाइसेंस पोर्टर कूली हैं, उनको एक राशन सामग्री का पैकेट मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। और ये पिछले 2 दिन से लगातार जारी है और अगले 2 दिन तक और होने वाला है। आज अभी हमने अजमेर स्टेशन पर जो कूली काम करते हैं, जो सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, जो पार्सल ऑफिस के लोडर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनको करीब 150 लोगों को हमने 15 दिन की राशन सामग्री यहाँ वितरित करने का काम किया है। और इसमें हमारे यूनियन के पदाधिकारी और जो सक्रिय कार्यकर्ता है, रेल कर्मचारियों ने भरपूर सहयोग देने का काम किया है। मोहन चेलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।